चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछ रहे हैं। आपसे पूछा है यहाँ पे चार्ज, कौन से आयन यहाँ पे यूज किया गया, H2- यूज किया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ बना देता हूँ, H2- यूज किया। और आपको बताया गया है कि जब ये फॉर्मूला लिखा जाता है ना, तो आप इसे एक आयन माने, आप इसे क्या माने, वन आयन। अब बताइए कि अगर एक आयन के ऊपर चार्ज निकालना होता है, चार्ज ऑन वन आयन, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, वन आयन के ऊपर अगर चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालते। देखिए एक आयन के ऊपर कितना यूनिट का चार्ज है, रिलेटिव चार्ज 2 है, ठीक है। अब हमें इतना पता है कि अगर ये सल्फर लिखा हुआ रहता तो इसके ऊपर 0 चार्ज है, अगर इसके ऊपर 2- लिखा हुआ तो इससे ये समझ आ रहा कि कहीं ना कहीं से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन का गेन होता तो उसके पास 1.6×10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज आता है। तो इसके ऊपर अगर 2- है, इसका मतलब अगर इस चार्ज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये इतना कूलम चार्ज हो जाएगा, लेकिन ये इतना कूलम जो चार्ज आ रहा है वो सिर्फ इसके ऊपर आ रहा है, और इसी को हम लोग एक आयन बोले, मतलब एक आयन के पास इतना कूलम का चार्ज हो गया। अब सोचें कि अगर एक आयन के पास इतना कूलम का चार्ज है तो क्या आप 1 मोल के पास निकाल सकते हैं। 1 मोल अगर मैं इसी का ले लूं तो 1 मोल लेने का मतलब कितना आयन हो जाएगा, 1 मोल लेने का मतलब हो गया कि आपका 1.6×10⁻¹⁹ इंटू एवोगाड्रोज नंबर आप कर सकते थे, तो एवोगाड्रोज नंबर आपका आ जाएगा 6.02×10⁻²³। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी 1 मोल आयन के ऊपर इतना चार्ज हो गया। अब हमें बस यही काम करनी है कि 96 AMU अगर हम इस आयन का लेते हैं तो 96 AMU के अंदर आखिर इसके कितने मोल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग वापस फिर से मोल ऑफ H2- निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ H2- निकालने का मतलब ये हो गया कि इसका जो मास है, पहले आप उसको ग्राम में चेंज करेंगे तो आप एन से डिवाइड कर देंगे, ये ग्राम में आ गया, और फिर आप इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो सल्फर का एटॉमिक मास हो गया 32। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई एन ए। ये इतना मोल हो गया। अब देखिए इसके 1 मोल के ऊपर इतना चार्ज अगर है तो इतने मोल के ऊपर कितने चार्ज हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से आराम से चार्ज टोटल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, तो ये हो गया आपका 3/NA, मतलब इतना मोल हो गया, और 1 मोल के कारण कितना चार्ज है, तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिलहाल के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 3.2×10⁻¹⁹ और इंटू, फिर देखिए ये जो आप गुना किए वो तो एक्चुअली NA ही है, तो ये वापस फिर से देखिए NA से NA कट गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें इसको गुना कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 9.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ऑप्शन ये सी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखा जाए कि ये जो हम यहाँ पे 1 मोल निकालें, तो 1 मोल निकालें तो एन ए से गुना किए, फिर यहाँ पे देखिए कि जब हम मोल निकालें फिर एन ए आ गया, ओवरऑल ये कट ही गया है। तो अगर आप गौर से देखें, अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो ऐसे तो रूल यही कहता है, बट अगर आपको कभी भी AMU में मास दिया हुआ है, अगर मास आपको कभी भी AMU में दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा उसी वैल्यू में उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 96 में मैं अगर 32 से डिवाइड करता तो ये सीधा आंसर कितना आ जाता, 3 आ जाता, और 3 आने के बाद उसी 3 से आप एक आयन के ऊपर जितना चार्ज था उसी से आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट इतना आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते, नहीं तो जनरल तरीका आपका यही होगा चार्ज निकालने का, कि पहले आप एक आयन पे चार्ज निकालें जो कि बहुत आसान है, जो चार्ज आपको दिख रहा है उस चार्ज में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर दें, क्योंकि 2- है या 3+ है या 4+ है, इसका मतलब ये है या तो इलेक्ट्रॉन उतना लिया है या तो इलेक्ट्रॉन उतना दिया है। तो एक आयन के ऊपर चार्ज निकालेंगे, फिर उसको 1 मोल के ऊपर चार्ज निकालेंगे, और फिर जितना अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार हम मोल निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रखा है क्या कि सोडियम का 46 ग्राम लिया गया,
तो अगर आप सोडियम का 46 ग्राम लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कितना मोल, तो इसमें 23 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 2 मोल आ गया। अब अगर ये 2 मोल आ गया, इसका ये मीनिंग हो गया कि आपके पास इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो गए हैं वो हो गए आपके 2Na। कितने हो गए? 2Na। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा कि 46 ग्राम सोडियम लेने के बाद उसमें जितने एटम का संख्या है, ठीक है, उतना ही एटम का संख्या कैल्शियम का कितने ग्राम लेने के बाद आएगा। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट आप अगर लेते हैं, अगर आपका मोल सेम हो गया तो एटम भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप सोडियम का 2 मोल में एटम का संख्या निकाल रहे हैं तो सोडियम के 2 मोल में जितने एटम का संख्या होगा, कैल्शियम के भी 2 मोल में ही उतने एटम का संख्या होगा। अब सोचिए कि कोई कैल्शियम का 2 मोल अगर लेना चाहता है तो उसका कैल्शियम का मास कितना लेना होगा। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल गया, ये नहीं भी निकालेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, सिर्फ मोल से ही हमारा काम चल जाएगा। तो मास ऑफ कैल्शियम एटम कितना होगा, तो हमें उतना मास लेना कैल्शियम का जिससे उसका 2 मोल हो जाए, और जब 2 मोल होगा तो उसमें एटम का संख्या अपने आप इतना आ जाएगा। तो 1 मोल अगर कैल्शियम का लेते हैं तो 40 ग्राम होता है, तो आपको 2 मोल लेना है तो 2 मोल के लिए आपका कितना ग्राम यूज करना पड़ेगा, आपको 80 ग्राम यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप 80 ग्राम कैल्शियम लेते हैं तो आपको 2 मोल हो जाएगा, और अगर 2 मोल हो गया तो इसका भी 2 मोल, इसका भी 2 मोल, जब मोल बराबर होगा तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर ही होंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं।